हेलो गाइज, यू आर वॉचिंग फाइनेंशियल गोल्स द रिटेलर्स पॉइंट। दोस्तों, यहाँ पर आज हमारा जो डेट है 26 मार्च 2021 है और यहाँ पर हम निफ्टी का एक छोटा सा एनालिसिस यहाँ पर करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ पर बताने वाला हूँ कि जो ये एक ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर दिख रही होगी, डेली का यहाँ पर टाइम फ्रेम है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आप जब यहाँ पर कल 25 मार्च 2021 को यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन पर यहाँ पर एक सपोर्ट लेता है मार्केट और नेक्स्ट डे यहाँ पर एक क्लोजिंग देता है और लगभग एक जो अनडिसीजन कैंडल टाइप यहाँ पर बनती है, तो मैं यहाँ पर वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये जो ट्रेंड लाइन है जो ये आपको दिख रही होगी ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर एक एनालिसिस करते हैं छोटा सा, ठीक है। हम यहाँ पर पहले ये देखते हैं कि जब जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर आया है तो उसने सपोर्ट लिया है, ऑब्वियसली सपोर्ट लिया है, और उसके बाद उसने कितना बड़ा पुल बैक दिया है, कितना बड़ा एक रन दिया है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, फर्स्ट टाइम यहाँ पर जब टच करता है तो मार्केट सबसे ऊपर जाता है यहाँ पर, ठीक है, सबसे पहला बार जाता है 7% अप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड टाइम यहाँ पर टच करता है और जब सेकेंड टाइम टच करता तो ज़्यादा है दोस्तों 11%। जब थर्ड टाइम टच किया है उसने यहाँ पे, तब एक बुल रन देता है 13% का। तो दोस्तों, यहाँ पर ये हमको क्या शो कर रहा है, आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम पे 7% 11.71% और थर्ड टाइम पे 13.35%। तो क्या हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट को कि यहाँ से अगर कुछ भी ना आए तो अगर 2% भी एक्स्ट्रा देगा तो क्या ये 16,356 तक निफ्टी जा सकता है? दोस्तों, मैं संजीव भासिन नहीं हूँ जो मैं बोलूँगा कि दिवाली तक मार्केट 11,000 जाएगा, वो पुरानी बातें हो चुकी हैं। बट यहाँ पर आप एक चीज़ यहाँ पर नोट करने की कोशिश करेंगे, जो ये हमारी ट्रेडलाइन है बहुत ही अच्छे एक यहाँ पर डिमांड जोन को रिप्रेजेंट कर रही है। जब जब मार्केट यहाँ पर आ रहा है तो एक अच्छा पुल बैक यहाँ पर, एक बुल रन यहाँ पर दे रहा है 7%, 11.71%, 13.35% और यहाँ पर 15.76% का यहाँ पर पुल बैक एक बुल रन यहाँ पर दे रहा है। तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट हमारा 16,521 जा सकता है? तो दोस्तों, इसको मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पर एक बार और हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी बनती हैं। तो दोस्तों, पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन सकती हैं, मार्केट यहाँ से एक और बुल रन यहाँ पर दे सकता है 16,351 के ऊपर तक। बट यहाँ पर एक पॉसिबल वे में तो नहीं देने वाला, पॉसिबल वे में आपको आप क्या समझते हैं उससे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मतलब अगर आप सोचेंगे सीधा मार्केट यहाँ पर 16,356 का रन दे दे, वो शायद पॉसिबल नहीं होगा। वो पॉसिबल इसलिए नहीं होगा कि यार रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप कौन करेगा भाई, सीधा मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो अब होना क्या है दोस्तों, होना ये है मार्केट शायद क्या मूवमेंट कर सकता है, सिंपल मूवमेंट ऐसा कर सकता है, मार्केट हल्का सा ऊपर जाए, हल्का सा नीचे आए, लोगों के स्टॉप लॉस ट्रैप करे, उसके बाद शायद यहाँ पर 16,000 का जो ये टारगेट है वो यहाँ पर दे सकें। दोस्तों, मैं कोई ब्लफ बातें नहीं कर रहा हूँ, ये एक मैं एक चीज़ यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ, तो आप इसको एक कंसीडर यहाँ पर कर सकते हैं जब भी आप कोई अपनी नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पर डालें। तो इस छोटे से शॉर्ट वीडियो में मेरा यही मतलब था कि ये ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपनी ट्रेडिंग में वॉच करना। अगर इस ट्रेंड लाइन को के नीचे क्लोज मार्केट देता है तो बहुत जल्दी शॉर्ट बनाने की कोशिश मत करना, अनटिल यहाँ पर आपको पेशेंस यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। होप ये वीडियो पहुँच लगो, सब फाइनेंशियल गोल्स को सब्सक्राइब करें दोस्तों। बाय दोस्तों।